आजकल फूड प्रोडक्ट्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स मिल रहे हैं कि हमारी जान तक को खतरा है। कंज्यूमर्स परेशान हैं कि किस चीज़ पे भरोसा करें और किस पे नहीं। ऐसे में एक और चौंका देने वाली खबर आई है। स्टडी का कहना है कि फूड पैकेजिंग में ऐसे 200 केमिकल्स मिले हैं जो ब्रेस्ट कैंसर पैदा कर सकते हैं। फूड पैकेजिंग फोरम के ऑफिशियल्स का इस बारे में बस यही कहना है कि इनकी यूसेज को कम कर दिया जाए। जिन प्रोडक्ट्स में ये केमिकल्स मिले हैं वो है कार्डबोर्ड, श्रिंक रैप्स, प्लास्टिक रैप्स और प्लास्टिक। फ्रंटियर्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसने बताया कि प्लास्टिक में 143 केमिकल्स और कार्डबोर्ड में 89 केमिकल्स ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकते हैं। ये केमिकल्स PFAS, बिस्फिनॉल्स, फैलेट्स बताए जा रहे हैं जो कि ह्यूमंस के लिए जहरीले हैं। PFAS को फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होते और शरीर में ही रह के बढ़ते रहते हैं। ये जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर का, और अगर इसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को फैलने से भी रोका जा सकता है। इंसानों को इन केमिकल्स का एक्सपोजर फूड आइटम से मिलता है। इसका डायरेक्ट एक्सपोजर का तरीका अभी तक अनजान है, लेकिन फूड, ड्रग्स और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स तो इसके कारण है ही। कोशिश करें अब आप इन सभी प्रोडक्ट्स के यूसेज को बेहद कम कर दें। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें।